हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने इस जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट मेटामॉर्फिक रॉक का, तो आज मेटामॉर्फिक रॉक का हम नेक्स्ट आज का जो वीडियो रहेगा उसके ऊपर हम मेटामॉर्फिक रॉक का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फर्दर जब हम इसका टेक्सचर स्ट्रक्चर जो भी देखें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो को यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक है पहले देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो कि हेल्प करेंगे हमें मेटामॉर्फिक रॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए फील्ड पे। सबसे पहला जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है मेटामॉर्फिक रॉक जो रहता है, आइसोकेमिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलता है। आइसोकेमिकल चेंजेस क्या है, जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर पता है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, तो आप ऑब्वियसली ये वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो रहता है आइसोकेमिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में। अब आइसोकेमिकल चेंजेस क्या है, ये जो चेंजेस है आइसोकेमिकल, जब प्रोटोलिथ से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, प्रोटोलिथ क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जिस रॉक से मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, उसी जो प्रोटोलिथ का जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा, वो जब प्रोटोलिथ से कन्वर्ट होकर आएगा मेटामॉर्फिक रॉक में, तो उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, बट स्ट्रक्चर और टेक्सचर, साइज, शेप, वॉल्यूम, ये सब में चेंजेस आएंगे। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं आइसो केमिकल चेंजेस, मीन्स यहाँ पर जो उसका केमिकल कंपोजिशन रहेगा उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए बुकिश लैंग्वेज में उसे क्या बोला जा रहा है, द बल्क केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन इज द सेम रहेगा एज दैट ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, ठीक है, जो भी रॉक से, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का जो भी पैरेंट रॉक था उसका कंपोजिशन जो रहेगा, ऑब्वियसली जब वो मेटामॉर्फिज्म हो जाने के बाद पैरेंट रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका भी कंपोजिशन सेम रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं आइसोकेमिकल चेंजेस, बट कंपोजिशन इसमें सेम आएगा, साइज, शेप में, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टर था आइसोकेमिकल चेंजेस। अब उसका जो दूसरा कैरेक्टर देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का, द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ प्रोटोलिथ। अब ये टर्म आ गया, देखिए प्रोटोलिथ, प्रोटो क्या है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग, ओके, प्री एग्जिस्टिंग, और लिथ मीन्स रॉक, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ऑब्वियसली हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ही हमें मिल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। अभी जो मेटामॉर्फिज्म क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। तो जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का या फिर प्रोटोलिथ का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, बट मेटामॉर्फिज्म होने से पहले उसमें जो भी टेक्सचर या फिर स्ट्रक्चर थे, मेटामॉर्फिज्म हो जाने के बाद, मीन्स जब प्रोटोलिथ से ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जा रहा है, तब भी उसमें वही टेक्सचर और स्ट्रक्चर प्रिजर्व होकर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड कैरेक्टर है, मींस प्रोटोलिथ में आपको जो भी, अगर इसको और भी शॉर्ट में देखेंगे, एक ही लाइन में अगर इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो इसका यही आउटकम आएगा कि प्रोटोलिथ में जो भी टेक्सचर और स्ट्रक्चर थे, वो प्रोटोलिथ जब मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, वही कहीं ना कहीं वही मेटामॉर्फिक रॉक में आपको प्रोटोलिथ का टेक्सचर और स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से देखिए सेंटेंस, द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक का जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, आर आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ प्रोटोलिथ, मतलब प्रोटोलिथ का जो भी स्ट्रक्चर और टेक्सचर रहेगा वो आपको प्रिजर्व देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक में, मीन्स चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, उतना कुछ खास चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद देखते हैं उसका जो थर्ड कैरेक्टर है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस इन सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली मेटामॉर्फिज्म सॉलिड स्टेट में ही टेक्स प्लेस होगा, ठीक है, मतलब मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होगा वो सॉलिड स्टेट में ही होगा, ठीक है। अब ये मेटामॉर्फिज्म, मतलब हम बात कर रहे थे जब मेटामॉर्फिक रॉक का या फिर मेटामॉर्फिज्म, वो जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस जो हो रहा है मेटामॉर्फिज्म, उसको प्रोसेस चलने के लिए उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का यूज होता है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई मेटामॉर्फिज्म हो रहा है और हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप बात अगर सोचेंगे कि टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली लिक्विड हो जाता होगा या फिर मोल्टन स्टेट में आके फिर क्रिस्टलाइज होता होगा, तभी हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल ही रॉन्ग है। मीन्स अगर ये सॉलिडिफिकेशन होके ही आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक, अगर ये
लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और मतलब लिक्विड स्टेट मीन्स यहाँ पर आप बात कर रहे हैं मैग्मा का, जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक अगर पूरा कम्प्लीटली सॉलिडिफाई नहीं होके कम्प्लीटली अगर वो लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, मीन्स मोल्टेन हो जा रहा है प्री एग्जिस्टिंग रॉक, तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैग्मा में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होगा तो उसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हमें इग्नियस रॉक मिल रहा है। ठीक है, इग्नियस रॉक मिल रहा है ना कि मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में ही होगा। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक जो बनेगा प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, उसमें क्या होगा ना, टेम्परेचर प्रेशर ये सब अप्लाई होंगे, जिसके वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, प्री उसका जो प्री एग्जिस्टिंग जो फॉर्म था रॉक का, शेप था, साइज था, कैरेक्टर था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और ये सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक आर नोन एज ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक एंड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक आर नोन एज पारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, पारा मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यही समझना है हमें और कुछ नहीं। ठीक है, तब ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक या फिर प्रोटोलिथ से बन रहा है। प्रोटोलिथ कुछ भी हो सकता है, या तो वो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री, नहीं तो मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री। अगर प्रोटोलिथ रहा, उससे अगर मेटामॉर्फिज्म होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, तो उसे हम क्या नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अगर इग्नियस रॉक प्री एग्जिस्टिंग या फिर प्रोटोलिथ जो है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक नहीं तो प्रोटोलिथ, अगर उसके वजह से मेटामॉर्फिज्म होकर इग्नियस रॉक बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थो मेटामॉर्फिज्म। ओके, ऑर्थो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस या फिर उसी प्रोसेस के द्वारा जो भी रॉक बन रहा है, उसे हम बोलेंगे ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक। बट जब सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म होने के बाद हमें मिलेगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जब मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिलेगा, तो उसी मेटामॉर्फिक रॉक रॉक को हम बोलेंगे पारा मेटामॉर्फिक रॉक। बट ये पारा मेटामॉर्फिक रॉक जो है सेडिमेंट्री, उसका जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक रहेगा सेडिमेंट्री रॉक रहेगा, बट ऑर्थो का जो रहेगा, ऑर्थो मेटामॉर्फिक, उसका जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक रहेगा पेरेंट रॉक वो रहेगा इग्नियस रॉक। तो ये था ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।